23 जून से आषाढ़ मास आरंभ होगा। प्रत्येक मास में 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, किंतु अब की बार आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष 13 दिन का ही है। यह संयोग द्वापर युग में महाभारत युद्ध के आरंभ के पहले हुआ था, बना था। वर्तमान में यह स्थिति। दूसरी चीज, आषाढ़ मास रविवार से आरंभ होकर रविवार को ही समाप्त हो रहा है। ये अखिल विश्व के लिए शुभ संकेत नहीं है। अप्रत्याशित घटनाएं प्रकृति में घटित होंगी, समाज में षड्यंत्र व्यापक स्तर पर होगा, और जहां तक ज्योतिष गणना के अनुसार इस नक्षत्र के आरंभ लगने का मतलब है कि देश में सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की परंपरा में कोई कमी नहीं आई है, और इसमें दुनिया के कई देश भी शामिल हो सकते हैं। किंतु सनातन धर्म की जय होगी, लेकिन इससे होने वाली क्षति जो प्राकृतिक है वह अविस्मरणीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महाभारत युद्ध के आरंभ पर यह 13 दिन का आषाढ़ माह का दुर्योग काल लगा था, जो वर्तमान में लग रहा है। षड्यंत्रकारियों से, षड्यंत्रों से सावधान रहें, अपने इष्ट का ध्यान करें, और उचित होगा कि महामृत्युंजय महामंत्र का जप करें, जिससे इस दुर्योग काल के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। हम अपने साथ साथ अपने राष्ट्र का भी कल्याण करें। जय श्री राम।